नमस्कार दोस्तों, केपीसी टीम आप सबके साथ कर रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, महिंद्रा वर्सेस कंपनी की तरफ से बम्पर भर्ती निकल के आ चुका है। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूटी आपका 10 घंटे 22 दिन का रहने वाला है। आप अगर 8 घंटे करके ड्यूटी करते हैं तो आपका 26 दिन लग जाता है, लेकिन इसमें क्या क्या किया जा रहा है, 10 घंटे आपको ड्यूटी करवाया जाएगा, 22 दिन का ड्यूटी रहने वाला, महीने में आपका 8 दिन छुट्टी दिया जाएगा। ओवर टाइम इसमें पर डे जो है दोस्तों 3-4 घंटा चलता है, 100 रुपीज़ पर घंटे के हिसाब से इसमें आपको ओटी दिया जाएगा। दोस्तों एज लिमिट मुझे इसमें बहुत ही अच्छा रखा है, जिनका एज 18 से 30 साल तक है वो इस कंपनी में जॉब पा सकते हैं, क्योंकि जिनका 27 साल पार हो जाता है उनको जॉब पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए जॉब वैकेंसी आ चुका है। इस कंपनी में जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो आपको 19,500 रुपये पर मंथ आप दोस्तों सैलरी कमा सकते हैं। आप अगर ओटी वगैरह करेंगे तब जाके दोस्तों आप इतना सैलरी कमा सकते हैं, आप अगर ओटी नहीं करेंगे तो इससे कम सैलरी आपका आएगा। दोस्तों मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, जॉब लोकेशन जो आपका रहने वाला बिलासपुर गुड़गांव में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला, दोस्तों वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। इसमें 8वीं पास है, चाहे 10वीं किए हैं, चाहे 12वीं किए हैं, चाहे IIT किए हैं, चाहे ग्रेजुएटेड किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, कुछ भी किए आप इसमें जॉब पा सकते हैं। मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन जो है 8वीं पास होना चाहिए, तभी आप इसमें जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आया दोस्तों, ऐसे अपॉर्चुनिटी को आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं जरूर जाइएगा, कोई भी मिस नहीं करेंगे। देखिए मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो को आप लोग क्या करते हैं पूरा देखते नहीं है, आधी अधूरी वीडियो देख के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद पूरा समझना है, फिर आप जाएंगे, ताकि वहां पर जाने के बाद आप लोग कोई दिक्कत ना हो। क्या करते हैं आप लोग, आधी उधर जानकारी लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो मैं सबको समझा नहीं पाता। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मान के चले पर डे का अगर 200 बंदे का भी कॉल आता है तो मैं उनको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए जो है आप लोग वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगर आपको अच्छा लगेगा फिर जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगा तो आप लोग को लगेगा कि ये फेक है, ये है, वो है, आप लोग बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी मैं दोस्तों अभी 3 से 4 कंपनी का जो है मैं आप ग्रुप में नोटिफिकेशन डालने वाला हूँ, आज रात को मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन डालने वाला हूँ, उनका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 30 कल ही इंटरव्यू है। आप अगर कल पहुँच जाते हैं तो फिर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उनमें से नोएडा का है कंपनी, गुड़गांव का है दोस्तों, राजस्थान का है, ये सब का मैं आपको डालने वाला हूँ। तो जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं नोएडा गुड़गांव में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहे, मैं पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। और मेरे ग्रुप पे जाके जरूर ज्वाइन होकर रखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह आप लोग ज्वाइन होकर रखिएगा, दोनों का लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ ढूंढ ढूंढ के लिए, आप लोगों के लिए जॉब वैकेंसी लेकर आता हूँ। और जो चैनल पर पहली बार विजिट किया वो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको इस भी चैनल से बने रहते तो आपको जॉब मिलना ही मिलना। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमें वेयर हाउस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हम लोग महिंद्रा कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी नाम दे दिए गए, महिंद्रा वेयर हाउस में आपका काम रहने वाला है। ये जो कंपनी है वो देख सकते हैं अंशुल गेट बिलासपुर गुड़गांव हरियाणा में है ये कंपनी दोस्तों, तो आप लोगों को वहीं पे जॉब लोकेशन दिया जाएगा और वहीं पे आप लोगों को जाना भी पड़ेगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर लेते तो 100 पोस्टों पर भर्ती निकाला है, इसमें 100 लड़कों को लिया जाएगा, ओनली देख सकते हैं यहाँ पे मेल कैंडिडेट को ही लिया जा रहा है, कोई फीमेल कैंडिडेट को इसमें जाने का जरूरत नहीं, ओनली जो है पुरुष कैंडिडेट ही इसमें जाएंगे। जिनका एज यहाँ पे 18 से 30 साल तक है वही केवल जाएंगे, आपका अगर 30 साल पार हो चुका है तो आपको इसमें जाने का जरूरत नहीं, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ 30 साल तक इसमें लिया जाएगा। तो जिनका 30 साल तक एज है उनको तो ये मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका एज 28 साल पार हो जाता है उनके बाद उनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आपको इसी टाइप का जॉब मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें जाएंगे आपका बिल्कुल इसमें जो है जॉब मिल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप अगर मिनिमम 8वीं पास है तो आप इसमें भाग लेकर जॉब पा सकते हैं, उसके बाद आपका जो भी हायर क्वालिफिकेशन है कोई दिक्कत नहीं है, 10th किए हैं, 12th किए हैं, IIT किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएटेड वाले हैं, जो भी है सभी इसमें जॉब पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जॉब प्रोफाइल जो आपका रहने वाला है, तो जॉब प्रोफाइल आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे पैकिंग का काम है दोस्तों, स्कैनिंग का काम है, लोडिंग का है और अनलोडिंग का काम है दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको जॉब दिया जाएगा, पैकिंग का अलग काम दिया जाएगा जिनका क्वालिफिकेशन है, स्कैनिंग का अलग दिया जाता है, लोडिंग में ज़्यादातर जो है जो 8 पाथ वाले हैं उनको दिया जाता है, और अनलोडिंग में भी उन्हीं को दिया जाता है, जो 10th 12th IIT वाले हैं उनको जो है दोस्तों इसी में आपको दिया जाता है, किसी को ऑपरेटर में भी दिया जा सकता है दोस्तों। तो जॉब आपका हार्ड नहीं रहने वाला, आराम से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका डिपार्टमेंट रहने वाला वो देख सकते हैं, OQC देख सकते हैं, इनवर्ड ST1 हब में आपका जॉब लोकेशन दिया जा सकता है, इस सब डिपार्टमेंट में मतलब आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो होता है इसी सब डिपार्टमेंट में ये सब का काम होता है। ड्यूटी टाइम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 10 घंटा 22 दिन का आपका ड्यूटी रहने वाला दोस्तों, जो महीने में आपको 8 दिन का छुट्टी रहेगा।
आप देखिए इसमें क्या चलता है कि 8 8 घंटा करके आप ड्यूटी करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, 26 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे 10 घंटा करके ड्यूटी करते हैं तो क्या होता है, आपको जो है यहाँ पे 22 दिन ही ड्यूटी करना पड़ेगा। तो कंपनी में यहाँ पे 22 दिन ड्यूटी चलता है, आपको महीने में 8 दिन का छुट्टी मिलने वाला दोस्तों, तो ये अच्छा ही है। उसके बाद यहाँ पे OT भी चलता है, OT यहाँ पे 100 रुपीज़ पर घंटे के हिसाब से आपको दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रस सैलरी, आप सैलरी देख लीजिए, ग्रस सैलरी आपका 11,612 रुपये पर मंथ है दोस्तों। आप दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव में कहीं भी काम करेंगे तो ग्रस सैलरी आपका जो है 11,612 रुपया ही रहता है, ज़्यादातर 11 से 12 हज़ार के बीच में। सैलरी हैंड जो मिलने वाला 10,109 रुपया, 8 घंटे में ही आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके अलावा आप इसमें ओवर टाइम करेंगे तो जो दोस्तों 100 रुपये हिसाब से आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फूड जो है 1,000 रुपया आपको दिया जाता है, जो देख सकते हैं इन्कैशमेंट के लिए आपको 562 रुपया दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रीट बोनस अलाउंस होता है वो आपको 500 रुपया अलग से दिया जाता है। नाइट अलाउंस यहाँ पे आपको 1,200 रुपया दिया जाता है, और ओवर टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज़ पर घंटे के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो ये ओवर टाइम छोड़ के दोस्तों ये सब अगर आप मिला देते हैं तो आपका टोटल सैलरी जो बनता है वो 13,200 रुपया पर मंथ बनता है, प्लस आपको OT दिया जाएगा दोस्तों। तो आप OT अगर दोस्तों डेली 3 घंटा कर लेते हैं ना आप, इसमें मान के चलिए 2 घंटा भी आप अगर OT करेंगे तो आपको जो है दोस्तों महीने में 6,000 रुपया आ जाएगा, 6,000 रुपया आ जाता है दोस्तों। और इधर जो है आप 10,000 रुपया, मतलब 16,000 महीने में आपका आ जाएगा सब कुछ काट कूट के दोस्तों। और अगर 13,000 इसमें जोड़ देंगे तो 16,000 कितना हो गया, 19,000। कम से कम जो 8वीं पास है वो भी इसमें जो है 19,000 रुपया कमा सकते हैं, ये आपका दोस्तों कहीं नहीं जाएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए मैंने थंबनेल पर आपको लिखा था 19,500। आप अगर इससे ज़्यादा अगर डेली 3 घंटा OT चलेगा तो 3 घंटा OT करने से और भी ज़्यादा आपका सैलरी इसमें आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट आपका फ्री रहने वाला फैसिलिटी यहाँ पे दे दिएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री है, मतलब बस फैसिलिटी आपको यहाँ पे फ्री दिया जाएगा। कहाँ कहाँ दिया जाएगा यहाँ पे दे दिएगा, रिवारी, इफको चौक, जो मानेसर, और देख सकते हैं दोस्तों मानेसर, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पतेड़ी, ये सब दोस्तों जगह पे आपका जो है बस जाती है, यहाँ से आपको बस मिल जाएगा। इससे बाहर आप रहेंगे तो आपको जो है बस नहीं मिलेंगे। उसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो डॉक्यूमेंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि आपको क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों आपको लेके जाना है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, 10th किए हैं या 12th किए हैं या IT किए हैं या डिप्लोमा किए, कुछ भी किए हैं जो है अपना, जो है क्वालिफिकेशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों, एंड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों आपको लेके जाना है। आधार कार्ड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, पैन कार्ड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, बैंक का पासबुक फोटोकॉपी आप लेके जाएंगे, 4 पासपोर्ट साइज कलर वाला फोटो आपको लेके जाना है। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं वैक्सीन का जो है सेकेंड डोज का आपको जो है सर्टिफिकेट लेके जाना है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि वैक्सीन का सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी में अभी जो है दोस्तों ये मांगा जाता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल कर दिया गया है कि आप जो है वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे तभी उनको जॉब दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका, देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका सेम डे ज्वाइनिंग, जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है उसी दिन आपका ज्वाइनिंग होने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैंने वहाँ पे बोला था कि आपका डायरेक्ट भर्ती होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री फ्री आप इसमें जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन भी दे दिया गया दोस्तों, देखिए इसमें जो इंटरव्यू लोकेशन आपका दिया गया है इसी लोकेशन पर आपको जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो लोकेशन दिया गया है मंत्रा वेयर हाउस, जो अंशुल गेट, बिलासपुर, गुड़गांव, हरियाणा, यहीं पे दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। जो 29 तारीख तो डेट पार हो चुका है, आपको 30 तारीख को वहाँ पे जाना है। ये 1 तारीख को जाने से भी होगा, लेकिन आप लोग जो नंबर दूंगा उसमें आप संपर्क करके पहले पूछ लीजिएगा कि 1 तारीख को इंटरव्यू होगा या नहीं, 2 तारीख को इंटरव्यू होगा या नहीं, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे, पहले आपको जाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं किनको जो है ये नंबर प्रोवाइड करूंगा, जो महिंद्रा वेयरहाउस में काम करना चाहते हैं उन्हीं को मैं ये नंबर प्रोवाइड करूंगा, बाकी सबको मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं अभी वीडियो में बता दूंगा तो आप सभी क्या करेंगे, कॉल करके उनको तंग करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे नंबर आपको नहीं दूंगा, जो महिंद्रा वेयरहाउस में काम करना चाहते हैं वो मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, उस व्हाट्सएप पे आप जाके मैसेज कीजिएगा, या मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों जगह जाके आप लोग ज्वाइन होकर रखिए, मैं दोनों जगह आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर मैं ऐसे ही नहीं देता हूँ, आप मैसेज करेंगे स्पेशली तभी जाकर मैं आपको मैसेज करूंगा, और वो भी मैसेज में आपको क्या लिखना है कि मुझे जो है महिंद्रा वेयरहाउस में काम करना है, डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा। हाय हेलो का जरूरत नहीं है, मुझे हाय हेलो का रिप्लाई देने का, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देने का टाइम नहीं है,
आप लोग भेज सकते हैं, वो सही है, लेकिन आपको जो काम है वो काम मैसेज पे लिख के भेजिएगा। आप लोग हाय हेलो ये वो बोलते हैं, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बोलेगा कि मुझे काम करना है, मैं आपको नंबर दे दूंगा। जो स्टूडेंट का काम करना है वही कपल मैसेज कीजिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अदर स्टूडेंट को इसमें करने का जरूरत नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, नंबर देखते ही जो पूरा मैसेज करना कॉल करना शुरू कर देते हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है और मुझे कॉल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, सभी का मैं कॉल रिसीव कर नहीं पाता, मेरा भी काम रहता है। आप लोगों का क्या है, सोए उठे ना चले फोन लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। चलिए मैं नंबर बता रहा हूँ, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप लोग जो है मैसेज कीजिएगा। 70 63 232 110, ठीक है ना। इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, क्योंकि 100 पोस्टों पे भर्ती है, 100 लड़कों को इसमें लिया जाएंगे। तो आप में से जो बंदे देख रहे हैं, अगर 100 लड़कों का इसमें आ गया, अब 100 लड़कों इसमें चले जाएंगे तो सही है, क्योंकि 100 लड़के जाना मुश्किल है। मैं वीडियो बनाता हूँ, आप अगर 2000 बंदे देखेंगे उनमें से 100 बंदे जाते नहीं है, और लोग चाहते हैं कि और भी अच्छा जॉब मिले, या करे क्या सोचते हैं पता नहीं है। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, आपका बहुत ही काम आने वाला ये चैनल। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आप जाने वाला हूँ रात को जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम पे मैं लाइव रहूँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैं लाइव आने वाला हूँ रात 9 बजे के बाद, अभी नहीं, रात 9 बजे के बाद मैं टेलीग्राम पे लाइव आने वाला हूँ। वहाँ पे मैं जो है 30 तारीख को जो इंटरव्यू होने वाला है, और भी नोएडा वगैरह में राजस्थान में, उनका मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा जॉब जॉब करना चाहते हैं। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे 9 बजे लाइव होकर रहिएगा, और जो ज्वाइन नहीं किया जाके फटाफट से ज्वाइन हो लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलो किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।